डियर, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यू MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है सब्जेक्ट आज स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। ये BTech 7th सेमेस्टर का इलेक्टिव पेपर है। हो सकता है कि आपके कॉलेज में ये हो या ना हो। अगर आप इस वीडियोस पे क्लिक किए हैं देखने के लिए, है ना, मतलब इस सेशंस में आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा, तभी जो है आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, हमारे सामने आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं। ये जो है आपका AKU है ना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि पटना में है, उसके बेसिस पे डिज़ाइंड सिलेबस जो है, ठीक है। और ये सिलेबस 2018 के अनुसार ये जो है दिए गए हैं, क्योंकि 2018 में सबसे पहले जो, मतलब इससे पहले जो है अपडेट किया गया था सिलेबस को, तो उसी के बेसिस पे है। तो मॉड्यूल नंबर 1 में आपको सेल्फ एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। तो सेल्फ एनालिसिस क्या होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो इसमें आपको टॉपिक पढ़ने हैं SWOT एनालिसिस, Who am I, एट्रीब्यूट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। ये इस मॉड्यूल के अंतर्गत इन टॉपिक्स पे आपको जो है समझने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं SWOT एनालिसिस, है ना। SWOT एनालिसिस का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए, SWOT एनालिसिस का अगर बात किया जाए, तो SWOT ये जो है फुल फॉर्म आपका इसका होता है, है ना, SWOT, SWOT, इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसको अलग अलग लिखते हैं, SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ताकत क्या है। W का मतलब होता है वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या काम आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड T का मतलब होता है थ्रेट्स, मतलब आप किस चीज़ से डर रहे हैं। तो ये इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में। तो ये जो SWOT एनालिसिस है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से प्लानिंग करें और मैनेजमेंट करें, ताकि किसी पर्सन्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्सन्स को अपने स्ट्रेंथ को, यानी उसकी क्या मजबूती है, क्या उसका वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसका, या उस कंपनी में, या किस चीज़ की डर है, है ना, बिजनेस कंपटीशंस में या कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान। तो इसके बारे में एक प्रॉपर प्लानिंग या जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है, उसी को SWOT एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड सिचुएशनल असेसमेंट और सिचुएशनल एनालिसिस। कई बार इसको सिचुएशनल एनालिसिस या सिचुएशनल असेसमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब कि आप सिचुएशंस को देखने के बाद आप उसके बारे में सोचना कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको चार ही चीज़ की ज़रूरत है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आप कैसे उस काम को कंप्लीट कर सकते हो, क्या क्या डिमेरिट होगा अगर आप उस काम को करने जाओगे, तो आपको डर क्या रहेगा, भाई मेरा जान जा सकता है, या फिर मेरी जो मॉरल वैल्यूज़ है उसमें डिग्रेड होगा। वीकनेसेस कि क्या मैं उस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितना हद तक मैं उस काम को कर पाऊंगा, प्लस उस काम को जब मैं कर लूंगा, कोई भी सिचुएशंस को सॉल्व अगर कर लूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्या होगा उसके बारे में। ये जो SWOT एनालिसिस टेक्निक है, ये डिज़ाइन किया जाता है फॉर द यूज इन द
प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डिसीजन, कोई भी डिसीजंस लेने के टाइम में, मेकिंग प्रोसेसेस एंड कैन यूज्ड एज ए टूल फॉर इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजिक पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी काइंड्स, जैसे एनजीओज, लोकल गवर्नमेंट, फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेज, इन सभी को में प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए एक टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो है SWOT एनालिसिस। जो SWOT एनालिसिस है, ये आपका इंटेंडेड होता है टू आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोई ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको जो ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसका जो मेन गोल होंगे, उस गोल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो अफेक्ट करेगा, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। जब मैं आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, स्टेक होल्डर, जिसमें मैंने बताया था कि स्टेक होल्डर जो है दो तरीके का होता है, ये एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि किसी कंपनी के अंतर्गत कोई अगर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जाने वाले मटेरियल्स, कौन बना रहा है, कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने मैनेजर्स हैं, इन सभी के बारे में। वही एक्सटर्नल में रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, यानी कस्टमर्स हो गया, और भी कई सारे फैक्टर्स थे स्टेक होल्डर्स के अंतर्गत, जिसके बारे में मैंने प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स चैप्टर में आपको मैंने बतलाया था, समझाया था। आप लोगों में से कई सारे लोगों को समझ में भी आया था, तो वही चीज़ है। देखो, हर सब्जेक्ट ना, जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं इंजीनियरिंग में या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको एक दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करके आपको पढ़ाई करना होगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद है, यूजर्स ऑफ SWOT एनालिसिस ऑफ़न आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू जनरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए या तो आप क्वेश्चंस पूछते हो, या जो क्वेश्चंस आता है उसका आप जवाब देते हो, ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। इच कैटेगरी टू मेक टूल यूजफुल एंड आइडेंटिफाई देयर कंपटिटिव एडवांटेज क्या है उसके बारे में। SWOT हैज बीन डिस्क्राइब्ड, SWOT को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए ट्राइड एंड ट्रू टूल ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस, बट ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर लिमिटेशंस एंड अल्टरनेटिव्स हैज बीन डेवलप्ड। जो SWOT एनालिसिस है, ये एक स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल्स हैं, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट्स तो मिलता है, बट कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा जाए, तो अगर इंटरनल ओरिजिन के बारे में बात किया जाए, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है इंटरनल ओरिजिन्स हैं, वही अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स जो है एक्सटर्नल ओरिजिन है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जो है हेल्पफुल होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन जो वीकनेस है और थ्रेड्स है, ये हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होता है, ये नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के पास, नहीं तो कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होते हैं। SWOT एनालिसिस जो है इंटेंड करता है टू आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेंचर एंड प्रोजेक्ट। ऑलरेडी ये चीज़ है, ये पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करते हैं कि ये
यहाँ तक आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ यार, क्योंकि जब तक आप चैट बॉक्स में हमें नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा। आप बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा ना, तो आपको बताना पड़ेगा, तभी जो है उस चीज़ को बारे में हम समझेंगे, सोचेंगे और उस पर और बेहतर एनालिसिस आप लोगों को करके बताएंगे। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।